एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम घर में पड़े हुए वेस्ट चीजों से बनाकर रेडी करेंगे और ये देखने में खूबसूरत लगता है और आप इसे घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई होप सो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो ज्यादा बात ना करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस तरह का केक का खाली बॉक्स पड़ा हुआ था और ये अंदर से क्लीन था तो मैंने इसे रख लिया था। और आज का जो DIY है हम इसी से बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए DIY स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का केक का बॉक्स ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है केक का एम्प्टी बॉक्स और अब हम इसके ऊपर किसी सर्कल शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक प्लेट की हेल्प से अलग अलग साइज़ का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अलग अलग शेप के मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब हम इन्हें फटाफट काट कर रेडी कर लेते हैं। सर्कल काटने के बाद अब हम इस सर्कल के किनारे के एरिया को पेपर टेप की हेल्प से कवर कर लेंगे। यहाँ मैंने कार्डबोर्ड को कवर कर लिया है मास्किंग टेप से और दो कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, उसे मैंने कवर नहीं किया है। तो अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस की ओर। तो मेरे पास एक पेपर का शॉपिंग बैग था जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसे रख लिया था कि इसका कभी ना कभी अपने DIY में यूज़ करूँगी। तो आज मैं ये शॉपिंग बैग यूज़ करने वाली हूँ और सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। और अब मैं एक सर्कल को इसके ऊपर रख कर कट कर लूँगी। सब शॉपिंग बैग से दो सर्कल कवर हो जाएंगे और बाकी के सर्कल के लिए मेरे पास दो के लिए ये स्टिकर पड़े हुए थे तो उसे मैं यूज करूँगी। और इसके साथ ही आप इस तरह का कोई भी रैपिंग पेपर ले सकते हैं और जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, उसे आप इस तरह के इसे सर्कल के नाप का काट लें और इसे कवर कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारे सर्कल को काट कर रेडी कर लिया है, सारे पेपर को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। तो अब बारी है इनको एक एक करके सबके ऊपर पेस्ट करने का। तो चलिए फटाफट से इन्हें पेस्ट करके रेडी कर लेते हैं। और जो नॉर्मल पेपर थे उन्हें हम फेविकॉल के हेल्प से पेस्ट कर लेंगे।
सारे सर्कल को पेस्ट करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ मैंने सारे सर्कल पे पेपर को पेस्ट कर दिया है। और ये एक पेपर जो स्टिकर था वो इक्वल नहीं था, तो मैंने इसे कलर से कवर कर दिया है। और बस यहाँ सारा वॉल डेकोर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कैसा दिखता है। बहुत ही इजी और बिल्कुल घर में पड़े हुए चीज़ों से वॉल डेकोर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताना कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।